ओम नमो अरिहंताम में भी ओम है और ओम मणिपद्मे होम में भी ओम है। हमारे को जितने वैदिक संप्रदाय हैं सबके सब ओम को मानते हैं। दोनों पांव और मूत्रेंद्रिय सहित ओम का अकारात्मक अंश है और नाभि पर्यंत उकारात्मक है और नाभि बिंदु है एक ओम खूब और दोनों हाथ श्री बक्षस्थल पर्यंत दूसरा ओम है और कंठ पर्यंत मुख पर्यंत इसका उकार और बिंदु रूप और दोनों भौहें और नासिका इनको मिलकर तीसरा ओंकार है। लेकिन सहारा इसका नाम आलम्बन है और मूर्धा पर्यंत शिरोभाग पर्यंत उकारात्मक और बिंदु रूप में एकदालम्बनम श्रेष्ठम एकदालम्बनम परम एकदालम्बनम ज्ञात्वा जो इच्छति तस्य तत् ये आलम्बन है। एक को पकड़ के दूसरे को छोड़ा जाता है तो आपको हजार हजार वस्तुओं में लगे हुए मन को भटकते हुए मन को यदि स्थिर करना है शांत करना है सत्य की अधिक दिक्कत लाना है तो ये आलम्बन फूल आलम्बन लेके उसको सूक्ष्म में मिला दीजिए और सूक्ष्म आलम्बन लेके उसको कारण में मिला दीजिए। ओ ओ ओ और कारण निराकार होता है उसमें सब आकार समा जाता है और आप स्वयं उसके तत्व पदार्थ का शोधन है और ये संपूर्ण प्रपंच इसकी सूक्ष्मावस्था इसकी कारणावस्था और उसका अधिष्ठान साक्षी संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान साक्षी ये तत्पदार्थ का शोधन है। वैशेषिक पदार्थों का निर्णय करते हैं और नैयायिक ईश्वर को सिद्ध करते हैं ये सब पदार्थ और सांख्य पदार्थों का निर्णय करता है और योग कौन पदार्थ का शोधन करता है। मीमांसा अंतकरण को शुद्ध करती है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा स्वम पदार्थ और तत् पदार्थ दोनों को एक करते हैं और छहों दर्शन एक ही काम में लगे हुए हैं इनका समन्वय है समन्वय में एक साथ दो नाव पर पांव नहीं रखा जाता समुच्चय नहीं है दोनों एक सब एक साथ नहीं है बारी बारी है। तत् पदार्थ का शोधन स्वम पदार्थ का शोधन अंतकरण का शोधन और परमार्थ रूप से एकत्व का निश्चय। तो यदि आपके जीवन में शक्ति जागृत नहीं होती है चाहे जप से जगाओ पूजा से जगाओ व्रत से जगाओ पाठ से जगाओ नियम से जगाओ ध्यान से जगाओ अभ्यास से जगाओ आपके भीतर शक्ति होनी चाहिए कि जिसको छोड़ना चाहे उसको छोड़ दें और जिसको पकड़ना चाहे उसको पकड़ लें निरालंब होना चाहे तो निरालंब हो जाए। लेकिन यदि शक्ति को जागृत किए बिना आप कुछ चाहेंगे तो जैसे सोते समय तो आप बिल्कुल समाधि सही हो जाते हैं जो छूट गया दुश्मन छूट गया दुनियादारी छूट गई न कोई साथी है न कोई सामान है न कोई परिश्रम है कोई साधन अभ्यास भी नहीं रहता है वो व्यवस्था सुख नहीं होता है। लेकिन उठने के बाद सारी दुनिया ज्यों की त्यों आपके पास आ जाते ऐसे यदि बिना शक्ति सामर्थ्य का उदय हुए आप समाधि में भी चले जाएंगे तो समाधि में प्रपंच का विस्मरण तो हो जाएगा लेकिन उठने के बाद वही दुनिया फिर आपके साथ आकर टूट जाएगी वही दोष वही दुश्मन संसार को छुटकारा नहीं मिलेगा। समाध्यादीन कर्माणी जहाज जलधीर जदी मनोरथान प्रलापात माया तक क्षणा हमारे एक साथी हैं अभी ईश्वर कृपा से जीवित हैं तो 6 घंटे का उनका अभ्यास अब से 35 बरस पहले शीर्षासन करके वो कोई मुद्रा सिद्ध करते हैं और जीव को तालू के ऊपर तालू में से शेर निकाल के
छह घंटे तक वो ऐसे उल्टा हो, इस आसन लगा के खड़ा, पांव ऊपर से नीचे, तब छह घंटे के बाद जब निकलता था तो उसकी आंखें लाल लाल होती थी और रक्त का बोझ जो है वो सिर पर ज्यादा पड़ जाता था, गर्मी चढ़ जाता था, और वो वहां से निकलने के बाद गाली देना शुरू करता था। जीभ पर कोई नियंत्रण, जीभ पर कोई नियंत्रण नहीं, वो शरीर को खड़ा उल्टा खड़ा कर देता था, परंतु उठने के बाद जीभ काबू में नहीं रहती थी और चाहे जिसको गाली देना शुरू कर दे। अभी ईश्वर कृपा से वो जिंदा है तो आप उतनी गाली गलौज तो नहीं करता है, क्योंकि हम 30 बरस पहले की बात, 35 बरस पहले, तो आप जब भजन में बैठे तो संसार से जो रागत द्वेष है वो कम हो जाए, इसके लिए अपने मन को किसी अंतरंग वस्तु में लगाइए, और अंतरंग वस्तु में लगाने के लिए शक्ति का जो स्रोत है वो ऊर्ध्वमुखी हो रहा है, तो काम से शक्ति का अधोगमन होता है और प्रेम से शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। प्रेम के जो आंसू आते हैं ठंडे ठंडे और बीच आंख से निकलते हैं, गर्म नहीं होते हैं, प्रेम के आंसू गर्म नहीं होते हैं और वो आंख के किनारे से नहीं निकलते, बीच से निकलते हैं। शरीर में रोमांच हो जाता है, एक शीतलता का अनुभव होता है, तो आपकी जो शक्ति है वो जैसे कोई फुहारा छूट रहा हो, फुहारा जैसे पानी को नीचे से ऊपर फेंकता है, वैसे आपके शरीर में शक्ति का एक झरना है, उसको ऊर्ध्वमुखी कीजिए। ऊर्ध्वमुखी कीजिए माने मूल आधार से शक्ति निकल कर स्वाधिष्ठा मनोरथ अदाहत विशुद्ध और आज्ञा चक्र के क्रम से बिल्कुल शक्ति, शक्ति जैसे बिजली चमकती हो और तेजी में भी शक्ति तेजी चलती है, शक्ति कभी सीधी नहीं चलती, शक्ति की गति वक्र होती है, वक्र। अच्छा, तो बाहर को छोड़ने के लिए भीतर का कोई आलंबन नहीं, और यदि आलंबन लिए बिना ही आप राग द्वेष से मुक्त हैं, पहले से ही मुक्त हैं, जन्म से ही मुक्त हैं राग द्वेष से, तो भगवान आपका भला करे, बहुत बढ़िया है, इससे उत्तम स्थिति और क्या होगी। पर यदि राग द्वेष किए बिना ही आप सोचेंगे कि मन एकाग्र हो जाने से हमारे सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे, तो मन एकाग्र होने से ही सारे दोष निवृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो चित्त की भूमि है। एक बार बहुत लोग कीर्तन करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए ढोल बजाते हुए सैकड़ों की मंडली दक्षिणेश्वर के पास पहुंच कलकत्ता, तो परमहंस रामकृष्ण बड़े दुखी हुए। तो किसी ने पूछा कि परमहंस जी आप दुखी क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सब डाकू चोर गुंडे इकट्ठे होकर और कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन इसकी जो शक्ति बढ़ेगी, इससे जो इन गुंडों की शक्ति बढ़ेगी, उससे ये हिंसा करेंगे, चोरी करेंगे, डाका मारेंगे, क्योंकि इससे इनकी शक्ति तो बढ़ेगी परंतु उसका प्रयोग गलत स्थान पर करेंगे, तो जो संसारासक्त प्राणी है उनकी शक्ति बढ़ने पर वो संसार का ही संग्रह करते हैं। इसलिए ध्यान की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको अपनी संपूर्ण अधोमुखी गतियों को ऊर्ध्वमुखी करना पड़ेगा। अब आओ आलंबन की बात, निराकार आलंबन को पकड़ना वैराग्यवान के लिए ही संभव होता है, साकार आलंबन को पकड़ना विषयी पुरुष के लिए भी संभव होता है। संसारी पुरुष भी चाहे तो साकार आलंबन को पकड़कर संसार से मुक्त हो सकता है। तो साकार आलंबन लोग में भी मतभेद है, क्षणिक विज्ञान साकार है कि निराकार है, तो वो क्षणिक विज्ञान को साकार मानते हैं और अपने यहाँ विज्ञान को क्षणिक नहीं मानते हैं, नित्य मानते हैं,
और नित्य मान करके वैष्णव लोग उसको नित्य साकार भी मानते हैं, उपासक लोग उसको नित्य साकार मानते हैं। और नित्यता दूसरी वस्तु है और सत्यता दूसरी वस्तु है। जो वस्तु अनादि होती है वो नित्य हो ये भी आवश्यक नहीं है और सत्य हो ये भी आवश्यक नहीं है। अनादित्व प्रयुक्त सत्यता नहीं है, अनादि भी शांत होता है, बाधित होता है, उसकी निवृत्ति होती है। अब ये बात न करके और थोड़ी साकार का आलंबन लेकर के आप प्रपंचाशक्ति को छोड़िए, निराकार का आलंबन लेकर प्रपंचाशक्ति को छोड़िए, निरालंब होकर प्रपंचाशक्ति को छोड़िए, परंतु अपने मन को जो अनंत सत्य है, परमार्थ भूत परमात्मा, परमार्थ स्वरूप, उसके चिंतन में लगाइए। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ ये चर्चा चलती। एक साधारण साधक को ब्रह्म संस्कार से अपने अंतःकरण को संस्कृत करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रपंच संस्कार से संस्कृत अंतःकरण में ब्रह्म संस्कार भर दिया जाए, वो ब्रह्म संस्कार से संस्कृत हो जाए तो प्रपंच का संस्कार निवृत्त हो जाएगा। और रहा ब्रह्म संस्कार, तो ब्रह्मानुभूति से, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व की अनुभूति से ब्रह्म संस्कार भी बाधित हो जाएगा। लेकिन पहले संसार के संस्कार को बाधित करने के लिए ब्रह्म संस्कार जागृत करना चाहिए। तो ब्रह्माकार वृत्ति जनित संस्कार के सहाय्य से तत्व ज्ञान की जो अग्नि है वो प्रदीप्त होती है, उद्दीप्त होती है। अब आओ ब्रह्म ज्ञान का संस्कार अंतकरण में कैसे पड़े, इसके लिए थोड़े से अभ्यास जो शास्त्रों में बताए हैं उनकी चर्चा सुनाते हैं। सबसे आसान तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासं विदुर बुधा बुधा विदुर विदुर न तो बुधा। इस ब्रह्माभ्यास को जो विद्वान है, समझदार है, वे समझते हैं, मूर्ख लोग नहीं समझते। क्योंकि संस्कार प्रपंच संस्कार मिटाकर ब्रह्म संस्कार को जागृत करने के लिए, ब्रह्माकाराकार वृत्ति करने के लिए चिंतन की एक धारा बहे और ब्रह्म चिंतन की धारा बहे। टुकड़े 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 का चिंतन न करें। हम नदी को देखें और लहर की ओर से नजर हट जाए, हम जल को देखें और जो फुहारें उठ रही हैं उन पर से दृष्टि हट जाए। तब चिंतन ब्रह्म का ही चिंतन हो। ब्रह्म माने जितने टुकड़े टुकड़े पदार्थ संसार में दिखाई पड़ते हैं, परिच्छेद सामान, टुकड़े टुकड़े पदार्थों की किस्में, जो किस्म किस्म के टुकड़े सतरे दिखाई पड़ते हैं, कोई लाल कोई पीला कोई नीला कोई हरा, जो तरह तरह के टुकड़े किस्म किस्म के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, इनके अत्यंता भाव से उपलक्षित, इनका न होना जिसका इशारा है, न होने का चिंतन नहीं करना, इनका न होना जिसका इशारा है, उस ब्रह्म तत्व का बारंबार चिंतन, चिंतन की धारा न बह सके तो कथनम तत्कथनम कह बोल बोल के सुनाओ। वाणी से भी साधना होती है। का अच्छा कोई श्रोता न मिले, अरे बड़े उपदेशक बने हो, आए हो प्रचार करने, वैसे बोलने का शौक तो सभी को होता है। बड़े जोर से वासना महाराज बोलने की प्रबल हो रही है, वो मुख बंद ही नहीं रहने देती, जीव को हिलाए बिना मानती नहीं, पंडित कोई जो गाल बजावा तो जो जीव की लगरी से गाल बजाता है उसको पंडित कहते हैं। तो
घंटा, जैसे मुंह है घंटा और उसमें जीभ है उसकी ललरी, और मुंह के घंटे में जीभ की ललरी तना टन तना टन तना टन, पंडित सोई जो गाल बजावा। तो सामने वाले ने कहा है तुम बड़ा उपदेश करने चले हो, जाओ जाओ अपने चेले चांदी को उपदेश करो। तो सबको उपदेश ही नहीं करना हो, अन्योन्यम तत् प्रबोधनम्, कुछ सुनाओ और कुछ सुनो, सुनो सुनाओ। ये नहीं कि तुम ही सुनाते जाओ, परापर रेडियो खुल गया बोलता जा रहा है, सामने वाले की कुछ सुनो, एक दूसरे को ब्रह्म तत्व समझाने में मिलजुल कर प्रयास करो। और एक देख परत्वं च, अपनी निष्ठा अपनी परायणता ब्रह्म में ही रखो। एक देख परत्वं ब्रह्माभ्यासं विदुर बुधा, ये ब्रह्माभ्यास है, ब्रह्म को दोहराना है। दोहराने से अंतकरण में संस्कार बनता है, और ये संस्कार तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, इस ब्रह्माभ्यास से जो संस्कार उत्पन्न होता है वो प्रपंच के संस्कार को रोक देता है, और प्रपंच का संस्कार जब रुक जाता है तब स्वरूप में स्थिति होने पर इस संस्कार की भी जरूरत नहीं रहती। अब देखो दूसरा ब्रह्माभ्यास सुनाते हैं, केवल भावना। आप भावना को बुद्धि को प्रेम को तो संसार में देना चाहते हो, तो कर्म किसके लिए करते हैं, का रुपया के लिए, का प्रेम किससे करते हैं, का किसी को पाने के लिए, बुद्धि कहाँ लगाते हैं, का संसार में गौरव प्राप्त करने के लिए, और बोले परमार्थ का वो तो मिला मिला है, तो ब्रह्म तत्व का वो तो मिला मिला है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। अरे भाई सब छोड़ने की जरूरत है, नहीं महाराज वो तो चलता ही रहता है, छोड़ना भी कर्म ही है, छोड़ना भी साधन ही है। उड़िया बाबा जी महाराज क्या चलते चलते थे, दृश्यम नास्ति विबोधेन मनसो दृश्यमार्जनम संपन्नम चेत तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृति। दृश्य है ही नहीं, इस ज्ञान को जागृत करो कि दृश्य दृष्टि से पृथक नहीं है, और दृष्टि दृष्टा से पृथक नहीं है, और जब दृष्टि और दृश्य पृथक नहीं है तो दृष्टा में दृष्टापन भी पृथक नहीं है। दृश्यम नास्ति विबोधेन मनसो दृश्यमार्जनम, ये दृश्य का जो कलंक पंक है इसका प्रस्थावन कर लो, ब्रह्म मात्र है, दृश्य दृष्टि दृष्टा का भेद नहीं है। तो यदि ऐसा अनुभव हो गया तो निर्वाण का परमानंद तुम्हारे अंतकरण में जागृत हो गया। ये तो दूसरे को पकड़ने की कोशिश करने से ही हम पराधीन होते हैं। अब लो दूसरा, सर्गादावे मनोत्पन्नम दृश्यम नास्तेव सर्वथा इदं जगदहं चेति ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। ब्रह्माभ्यास क्या है, असल में आदि सर्ग में ये नाम रूपात्मक प्रपंच पैदा ही नहीं हुआ और इस समय है ही नहीं और आगे होगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं, और ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है, जगत माने गतिशील, गच्छति इति जगत, जो जा रहा है जा रहा है, शरीर से बाल निकल रहे हैं फिर वो लौट के घुसेंगे नहीं भीतर, आंख की रोशनी निकल रही है। इदं जगदहं चेति, जो हिलता हुआ जाता हुआ नजर आ रहा है वो जगत मुझसे भिन्न नहीं है, केवल आत्मा से अभिन्न ब्रह्म ही है। ब्रह्माभ्यासं विदुर बुधा, इसका नाम ब्रह्माभ्यास है। अब लो एक और निरक्त सर्वसंकल्पा या शिला वदवत स्थिति जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थिति परा। सावधान,
साधो सावधा दीजिए पौधा। जब चार संप्रदाय के साधु भोजन करने बैठते हैं वैष्णव तो बोलते हैं साधु सावधा, भगवान को भोग लगने दो बोला, साधु सावधान, जीप पर पानी ना आने पावे, मन ललचाने ना पावे, साधु सावधान, निरक्त सर्व संकल्पा, मन में कोई संकल्प न उठ रहा। संकल्प तभी उठता है जब दुनिया में ये चीज सुखकारी है और ये दुखकारी है, ये भेद रहता है। तो सुखकारी की प्राप्ति के लिए और दुखकारी की निवृत्ति के लिए संकल्प उठता है। सम्यक तो कल्पना ही दुख की जननी है। सब संकल्प शांत हो गए, जैसे ये चट्टान बिना संकल्प के होती है वैसे हो गए। परंतु नींद नहीं है, सुसुप्ति नहीं है और जागृत भी नहीं है, विक्षेप भी नहीं है। लय विक्षेप से रहित, संकल्प रहित शांत अवस्था। निरक्ष सर्व संकल्पा या शिला जागरण निद्रा विनर मुक्ता सा स्वरूप सत्यपरा। आप स्वरूप में बैठ गए, यदि ब्रह्म के अभेद का बोध है तब आपको पूर्णता प्राप्त हो गई, और यदि ब्रह्म के अभेद का ज्ञान नहीं है तो आप एक इकाई में अपनी एक इकाई में असंगता में दृग भाव में दृष्टा भाव में बैठे रहेंगे, और यदि ब्रह्म से अभेद का बोध है तो आपके सिवा दूसरी कोई व्यक्ति नहीं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज को शिव जी ने दो श्लोक सुनाए, शंकर भगवान जो हमारे मित्र है वो तो साधन भजन में लगे ही रहते हैं और चित्र विचित्र साधन भजन करते हैं। वो अभी एक साधन के अभ्यास में बैठे थे थोड़े दिन ही, तो ये कई महीने बैठे थे, छह महीने के लिए, ये कई महीने में बाहर निकले। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या हुआ, बोले भाई भगवान ने हमसे कहा था कि साधन करो तब बैठ गया, अब भगवान ने हमसे कहा कि मत करो तो हमारा साधन में क्या आग्रह है, उन्होंने कराया तो किया और उन्होंने छुड़ाया तो छोड़ा। तो हम गुरु जी के गुलाम हैं, काम के गुलाम थोड़े, उन्होंने कहा करो तो किया, उन्होंने कहा छोड़ तो छोड़। तो आपको सुना भगवान सचमुच जो लोग भक्त होते हैं भावुक होते हैं। अभी एक दो चार दिन पहले आर्य समाजी विद्वान मेरे पास आए थे, बड़े अच्छे विद्वान हैं, अखबारों में उनके लिए सोचने सकते हैं, और मैं तो उसको पहचानता था बचपन से, परंतु भी मुझसे नहीं करता। जब क्रांतिकारी आंदोलन चलता था उसमें वो बड़े जोर से स्वामी प्रेमपुरी जी के साथ रहते थे, तो है तो आर्य समाजी, परंतु जब नारायण स्वामी की चर्चा आई थी उनको भगवान के दर्शन हुए थे तो उन्होंने स्वयं कई ऐसी कथाएं सुनाई जिनमें लोगों को भगवान के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हुए। तो इतनी बड़ी दुनिया दिख रही है बिना हुए, तो इसमें भगवान भी आ जाए दर्शन देने के लिए तो इसमें क्या आश्चर्य। तो भगवान ने दर्शन दिया, शंकर भगवान ने दर्शन दिया उड़िया बाबा जी को, और दो श्लोक को बता रहा। पहला बोल जगताम वर्जयित्वैताम शिलाया हृदयन्ति जगत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। ये पहला श्लोक जगता का परित्याग कर और चट्टान के हृदय के समान मनोरहित संकल्प रहित बैठ जाओ। बस ऐसी अवस्था में बैठ जाओ जहाँ जड़ता नहीं है और संकल्प नहीं है, जड़ता नहीं है इसलिए चिन्मय है,
और संकल्प नहीं है इसलिए शांति है। शांत चिन्मय में बैठ जाओ बस, शांत चिन्मा। तो बाबा एक श्लोक बोलते थे कि मैं चिन्मात्र हूँ, तुम चिन्मात्र हो, वह चिन्मात्र है, ये संपूर्ण जगत चिन्मात्र। चिन्मात्र माने केवल चेतन, चिदो वैति चिन्मात्र, सब चिन्मात्र है, सब नहीं है केवल चिन्मात्र है। मैं चिन्मात्र, तुम चिन्मात्र, यह चिन्मात्र, वह चिन्मात्र, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। तन्मयो भव सर्वदा, बस ये ब्रह्माभ्यास, इसका नाम ब्रह्माभ्यास, इसका नाम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्माभ्यास है। ब्रह्माभ्यास करने से अंतकरण का कूड़ा कचरा जो है इस शांति में, इस चिन्मयता में भस्म हो जाता है और अपना जो अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है उसके अनुभव की योग्यता आ जाती है। ये मैं वेदांतियों से संभाल के बोल रहा हूँ, इससे अनुभव की योग्यता आ जाती है। दूसरा दूसरा श्लोक का नेति नेति वाक्य न शीर्षितम यत्परम परम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। आज देखो श्लोक ही श्लोक आप लोगों को सुनाए, बहुत से श्लोक सुनाए, पर ये बहुत दिनों से छूट गए थे वो, है ना। ये उड़िया बाबा जी महाराज के सामने जब सत्संग होता था तब तो जवान पर ये श्लोक, है ना, तैरते रहते थे, जवान पर तैरते रहते थे। अभी 10-25 बरस से छूट गए, तो मैंने कहा चलो आज जो है तो रौनी हो जाएगी, है दो रौनी हो जाएगी। नेति नेति दिवाक्येन शीर्षितम यत् परम पदम इति न, यह नहीं, यह नहीं। इति पद का अर्थ है ब्रह्मातिरिक्त सब, वेद शास्त्र पुराण समाधि परोक्ष प्रत्यक्ष अपरोक्ष सब इति, इति माने यह और न माने नहीं। नेति नेति सबका निषेध कर देने पर जो परम पद शेष रह जाता है, शीर्षितम यत् परम पदम निराकर तुम अशक्यत्वात्, बोले उसको भी एक बार घर से बाहर निकालने की कोशिश करो। करे भाई तुम अपने को घर से बाहर निकालने की कैसे कोशिश करोगे, उसको कोई ना बोल ही नहीं सकता। नेति के द्वारा वक्ता का, साक्षी का, अधिष्ठान का, चेतन का, ब्रह्म का, अमृत का निषेध नहीं होता है। इसका निराकरण करना किसी के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि जो निराकरण करेगा उसी की आत्मा है, इसलिए इसका निराकरण नहीं हो सकता। तो ये मेरा स्वरूप है परब्रह्म परमात्मा, ये सुखी हो जाओ। ये दो श्लोक श्री उड़िया बाबा जी महाराज को शंकर जी ने सुनाया था, उपदेश किया था, साक्षात शिव ही थे।